श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का 7 दिवसीय आयोजन राधा कृष्ण मंदिर नेहरू नगर भिलाई में शुरू हो गया है। इससे पहले मंदिर से निकली भव्य कलश यात्रा ने नगर में जबरदस्त आकर्षण बिखेरा। देवश्री आचार्य देव प्रकाश दिल्ली वाले के नेतृत्व में महिलाओं ने कलश यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में प्यारे भक्तों का जनसैलाब आज शोभा यात्रा में दिखाई दिया और शोभा यात्रा भव्य और दिव्य रूप में जब दिख रही थी तो अनुभव हो रहा था कि जैसे पूरा भिलाई क्षेत्र भगवान के प्यारे भक्तों से ही भरा हुआ है। यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, केवल देवत्व और भक्ति ही मौजूद हैं। श्रीमद् भागवत कथा का श्री गणेश आज से आरंभ हो चुका है। शोभा यात्रा के उपरांत पूजन के साथ ही सायंकालीन सत्र में 3 से 7 बजे तक भागवत कथा का श्री गणेश आज से हो जाएगा और लगातार 7 दिन तक मतलब 30 तारीख तक भागवत कथा चलेगी। मैं भिलाई वासियों को आग्रह करूंगा, आप सभी लोग आओ और सभी लोग बैठो, भगवान की लीलाओं का गान पान और भगवान की लीला में स्नान करके अपने आत्मा को अपने अंतस्थ को शांत करें, पवित्र करें और सदा के लिए तृप्त करें। हमारा परम सौभाग्य है छत्तीसगढ़ राज्य में विश्व ख्याति प्राप्त आज परम पूज्य आचार्य देवश्री जी का पुनः आगमन। यूँ तो विश्व भर में इनके जगह जगह आयोजन होते रहते हैं और अभी छत्तीसगढ़ में इनका कई बार आयोजन हो चुके हैं, पुनः हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवत कथा भक्ति ज्ञान यज्ञ 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सभी आयोजनकर्ता के सहयोग से यह पुनित पावन कार्य संभव हो पा रहा है। मुख्य यजमान कथा के हैं श्रीमान विजय अग्रवाल जी दिल्ली से, ललित अग्रवाल जी, श्रीमान दीवान राजेश दीवान जी, श्रीमान प्रशांत शर्मा जी, श्रीमान सुनील अग्रवाल जी, श्रीमान आनंद अग्रवाल जी डोंगरगढ़ से, श्रीमान विनोद सलाट जी एवं सभी आयोजककर्ता के सहयोग से यह प्रोग्राम संभव हो पा रहा है। और आप सभी सुनिएगा, यूट्यूब पे भी लाइव आएगा इस प्रसारण, तो आप सभी जुड़िएगा। धन्यवाद।